नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक कुलदीप राठौर, जो ऊपरी हिमाचल क्षेत्र से आते हैं तथा स्वयं भी एक बागवान हैं, उन्होंने विधानसभा सत्र में अपनी ही कांग्रेस सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि 2016 में विश्व बैंक की सहायता से बागवानी में सुधार के लिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसकी लागत करीब 1300 करोड़ रुपए थी। उन्होंने सवाल किया कि इस प्रोजेक्ट को सही स्तर पर धरातल पर उतारा जाता तो बागवानों और बागवानी की कायाकल्प ही हो जानी चाहिए थी। इसलिए यह बात साफ है कि इस प्रोजेक्ट में गंभीर स्तर पर धांधली हुई है, केवल कागजों पर ही लीपापोती की गई है, असल में कोई कार्य अपने मुकाम तक नहीं पहुँचा। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई और सांकेतिक रूप से चिताया कि उनके विकल्प खुले हैं। ग्यारह सौ 34 करोड़ का जो विश्व बैंक का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था बागवानी मिशन के तहत, मुझे बहुत अफसोस है कि उसका बहुत ज़्यादा मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। और मैंने ये क्वेश्चन आज पूछा था और मैं जॉब से बिल्कुल जो हूँ संतुष्ट हूँ। मैंने आज जो है मुख्यमंत्री जी से मांग की कि शोध पत्र जारी करें, क्योंकि जनता को जानने का हक है कि ये जो पैसा है इसका मिस यूटिलाइजेशन हुआ है। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ होता तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है, हमारा जो बागवानी क्षेत्र है, वह कायाकल्प हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिक्रूटमेंट में घपलेबाजी हुई और इम्प्लीमेंटेशन में जो है बहुत ज़्यादा इसमें घपला हुआ है। और लिपापोती करने का जो है प्रयास अधिकारी कर रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और हमने जो है श्वेत पत्र की मांग की है ताकि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए, और जो भी जिसकी भी इसमें स्लिपता है, चाहे पूर्व में कोई सरकारी अधिकारी हो या मंत्री हो, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी, बिल्कुल कागजों में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद बागवानी क्षेत्र से संबंधित हूँ, मेरी पृष्ठभूमि बागवान की है, और हिमाचल में लगभग 22 से 24 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो है जहाँ सेब पैदा होता है। और ये प्रश्न रोजी रोटी से जुड़ा प्रश्न है। एक तरफ जो है लागत बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, हमारे जो कीटनाशक है, फंगासाइड, पेस्टिसाइड महंगे हो रहे हैं, मजदूरी महंगी हो रही है, खादें महंगी हो रही है, और दूसरी तरफ जो है इस तरह की जो परियोजना जो कांग्रेस के शासनकाल में श्री वीरभद्र सिंह, श्रीमती विद्या स्टोक्स के प्रयासों से जो हमें मिली थी, उसका जो है सरेआम जो है दुरुपयोग हुआ है। और इस परियोजना को पिछली सरकार में कांग्रेस परियोजना का नाम दिया गया और पैसे को जो है बहुत ज़्यादा जगह पे डाइवर्ट किया गया। तो मेरा ये मानना है कि जो जवाब है वो खाली लिपापोती का प्रयास है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, हमने इस मुद्दे को बार बार मीडिया में भी उठाया, हमने जनता के बीच में भी बात की, और आज हम उसे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप बताइए क्या हुआ। आज हम जनता के प्रति जवाब दें, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट रूप से मांग की है कि जो है श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और मैं यहाँ आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब एमएलए प्रायोरिटीज की मीटिंग थी उस वक्त भी मैंने मांग की थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था, डिटेल्स मांगी थी। अब वो डिटेल आई है या नहीं आई है इसका बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा स्पष्ट ये मानना है कि इस मामले को मैं जनता के बीच में ले जाने वाला हूँ और हम आगे की जो हमारे विकल्प है वो बिल्कुल खुले।